नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुंबई में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर बीते दिन मिली संदिग्ध कार से जुड़े मामले की जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच और एटीएस मामले को खंगालने में जुटी है। इस बीच गाड़ी से जो चिट्ठी बरामद की गई थी उससे बड़ा खुलासा हुआ। संदिग्ध गाड़ी में मिली चिट्ठी में कहा गया है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है नीता भाभी मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। आपको बता दें कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के बाहर बीते दिन एक स्कॉर्पियो कार मिली थी जिसमें जेलेटिन स्टिक पाई गई थी। इसी के बाद यहां पर जांच की गई, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस गतिविधि को अंजाम देने के लिए लंबे वक्त से प्लानिंग की जा रही थी। आरोपी गाड़ी को घर के और भी करीब खड़ा करना चाहता था लेकिन अधिक सुरक्षा के कारण ये नहीं हो सका। उसके द्वारा अंबानी परिवार की हलचल पर नजर रखी जा रही थी, हर कॉनवे को ट्रैक किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक जो स्कॉर्पियो कार मिली है उसके सीट पर मुंबई इंडियंस का बैग रखा था। मुंबई इंडियंस आईपीएल की क्रिकेट टीम है जिसके मालिक मुकेश अंबानी ही हैं। इसी बैग में धमकी भरा लेटर भी रखा था। जिस व्यक्ति ने स्कॉर्पियो को यहां पार किया वो गाड़ी खड़ी कर इनोवा कार में बैठकर चला गया। आपको बता दें कि बीते दिन संदिग्ध गाड़ी मिलने के बाद ही मुंबई में एंटीलिया के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मुंबई पुलिस ने घर के आसपास बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की है। इसके अलावा मुकेश अंबानी के पास जो सीआरपीएफ की सुरक्षा है उसका भी रिव्यू किया जा रहा है। सीआरपीएफ के द्वारा मुकेश अंबानी के क्लोज प्रोटेक्शन में लगे जवानों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही मुंबई पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर आग सुरक्षा को और भी टाइट कर दिया जाएगा। बता दें कि इस मामले को लेकर बीते दिन ही मुंबई में केस दर्ज कर लिया गया है और मुंबई क्राइम ब्रांच एटीएस और अन्य एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। साथ ही आतंकी एंगल को भी खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।